स्वागत है अपने YouTube चैनल दनियो एक्टिव वर्ल्ड में। मैं नाजिर अब्बानी। दोस्तों आज सिक्स मंत्रास ऑफ सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सेफ्टी फर्स्ट, किसी भी काम को करने से पहले उसका सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है। तो आजकल जो बहुत सारी घटनाएं होती है, कहीं कंप्रेसर ब्लास्ट कर जा रहा है, बहुत सारी घटनाएं होती है आउटडोर लेकर के कितने टेक्नीशियन गिर जा रहे हैं। तो विदाउट सेफ्टी अगर हम साइड पे चले जाते हैं तो बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। तो सिक्स मंत्रास ऑफ सेफ्टी ये ब्लू स्टार का है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल में ऑथराइज्ड इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। कभी भी आपको इलेक्ट्रिकल का काम आ जाता है, किसी भी साइड पे आप गए हैं, वहां पे कोई भी एमसीबी ऑन है ऑफ है उसको ध्यान देना। और इलेक्ट्रिकल का काम अगर आप एसी टेक्नीशियन अगर नहीं जानते हैं तो भूल से भी आप उसको नहीं छूना है। क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं दो पैसा के कारण इलेक्ट्रिक का काम करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि उसका जो मेन उस कंपनी का जहां आप काम कर रहे हैं उसका वायरिंग खराब हो गया है, कुछ भी हो गया, उसकी वजह से आपके एक गलत वायरिंग की वजह से उस घर में आग लग जाता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो जिस चीज का आपको नॉलेज नहीं है सबसे पहले उसके बारे में आपको काम वहां नहीं करना है। दूसरा, प्लग को आपको देख लेना है, ये जो एसी का प्लग है इसको देखना है कि एकदम फिक्स है, हार्ड है, ज्वाइंट एकदम सही है कि नहीं, लूज कनेक्शन तो नहीं है। यहाँ जो भी सॉकेट है अगर कहीं पर ओपन है तो उसको लॉक कर देना है अगर उसमें प्लग नहीं लगा हुआ है। तो अगर आप कभी भी ब्रेजिंग व्रेजिंग करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को छू रहे हैं तो सबसे पहले हाथ में सेफ्टी ग्लव्स होना चाहिए। ये सब सिक्स मंत्र ऑफ सेफ्टी में आता है। इससे आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और टेक्नीशियन का जो रॉयलिटी होता है उस रॉयलिटी पे आप काम करिएगा। खुदा ना खास्ता कभी कोई घटना हो जाइएगा तो ये सब रहेगा तो आपको बचा देगा। मान लिया जाए अगर 440 करंट किसी वायर में आया हुआ ये रहेगा तो आपको इंसुलेटेड है, बचा देगा। या एमसीबी है, कभी कभी हम किसी एसी में काम कर रहे हैं, नाइट्रोजन डाला हुआ है, एमसीबी वहां से हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे छोड़ देते हैं, कोई भी कस्टमर आया इस एमसीबी को ऑन कर दिया का एसी में, क्या होता है कि नाइट्रोजन डाला हुआ है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जैसे ऑन किया कंप्रेसर ऑन हुआ और एसी ब्लास्ट कर गया। बहुत सारी जितनी सारे कंप्रेसर की घटनाएं होती है वो सारा नाइट्रोजन की वजह से होती है। तो क्या करना है, हमारे एमसीबी में जो है या तो लॉकर लगा देना है या वहां पर कोई भी एक साइन लगा देना है। सर उसके बाद आ जाइए आप अपने बॉडी लैंग्वेज में, उसमें देखना है यूज ए पीपीई किट। सबसे पहले आपको सेफ्टी हेलमेट यूज करना है। कभी भी बड़े साइट पे अगर आप काम कर रहे हैं, दो मंजिला तीन मंजिला आउटडोर को ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रेन जो है, हमारे मस्तिष्क जो है हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट है, इसको बचाना। अगर हाथ टूट जाए तो खुदा ना खास्ता वो बन जाएगा, लेकिन ब्रेन में अगर कुछ हो गया तो आप काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपको सेफ्टी शूज है। किसी भी जगह आप काम कर रहे हैं वहां पे हो सकता है इलेक्ट्रिकल वायर हो, इसलिए सेफ्टी शूज है। कुछ भारी भरकम अगर आपके पैर पे गिर गया तो सेफ्टी शूज से कुछ नहीं हो। ये कॉटन ग्लोव्स है, किसी भी वेल्डिंग ब्रेजिंग में आपको काम आएगा। ये मास्क है, तो मास्क तो अभी जान ही रहे कि जरूरी हो गया, जो भी है देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सेफ्टी बेल्ट कोई भी टेक्नीशियन आज के डेट में यूज नहीं करता। हम लोग तीन तीन मंजिला चार चार मंजिला पे काम करते हैं लेकिन सेफ्टी बेल्ट का यूज नहीं करते हैं। सेफ्टी बेल्ट जो है हमारे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम किसी रिक्सी जगह काम कर रहे हैं चुपचाप कम से कम सेफ्टी बेल्ट बॉडी में लगा ले और उसका एक एंगल किसी है हेवी पिलर उलर जिसमें भी जो भी पॉइंट है उसमें लगा देना चाहिए और सिक्योर होकर काम करना चाहिए। भले ही आप बगल में काम कर रहे हैं, आपको उम्मीद नहीं हो गिरने के लिए, फिर भी आप इसको लगा करके छोड़ दें, बेफिक्र हो जाएंगे, तब आपको टेंशन नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम फायर इंस्टीग्यूसर। आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां पे देख लीजिए आपके सर्विस सेंटर में ये फायर इंस्टीग्यूसर होना बहुत जरूरी है। फायर इंस्टीग्यूसर खुदा ना खास्ता आग लग गया तो हम आपको इस फायर इंस्टीग्यूसर का यूज करके, और फर्स्ट एड बॉक्स आपके टेक्नीशियन के सारे बैग में होना चाहिए। ये सब बेसिक चीज है जो आपको ध्यान देना होगा, ये सब सारे बेसिक चीज है। यहाँ पे कभी भी आप ये ग्राइंडर चलाने से पहले बहुत ही क्वेश्चन ध्यान देना होगा, इसमें बहुत ही तेज होता है। अगर आपको इसकी सही ऑपरेटिंग की जानकारी नहीं है तो नहीं चलाएं। मैं अभी नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो नाइट्रोजन में जब भी प्रेशर डालिए तो डायरेक्टली मत छोड़िए, इसमें एक गेज लगा करके छोड़ दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर डालिए। कभी भी नाइट्रोजन अगर मशीन में आप ऑक्सीजन जहां पर नाइट्रोजन का यूज है तो नाइट्रोजन ही का कीजिए, ऑक्सीजन का यूज मत कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।